हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और मैंने ओपन किया है और पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। यानी अगर आप सीधा सीधा जॉब के लिए जाते हो और वहां आपको काम करने में दिक्कत होती है, या आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो वहां पर आपको दिक्कत होती है इंटरव्यू फेस करने में, तो सारी चीजों का सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। तो एक एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, केवल ध्यान से वीडियो को देखना है। वीडियो लंबी होगी, पहले ही बता देता हूं वीडियो लंबी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी है, तो जब भी टैली प्राइम को आप ओपन करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। तो अगर आपको किसी बने हुए कंपनी में काम करना है, जैसा कि यहां पर नीचे दिख रहा है, हमें कंपनियों का नाम वगैरह सब कुछ दिख रहा है, आप इन कंपनियों में जाकर के और किसी भी कंपनी को चूज करके एंटर कर देंगे तो उस कंपनी में इन हो जाएंगे। लेकिन हमें फिलहाल क्या करना है, नई कंपनी बनानी है। तो यहां से क्रिएट कंपनी आपको नजर आ रहा होगा, बस इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन होता है। अब यहां पर कंपनी का नाम आपको डालना है, जो भी आपकी कंपनी हो उस कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए शॉपिंग कंपनी, SHOPPING, शॉपिंग कंपनी के नाम से एक कंपनी बना रहा हूं। ये कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, जो आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शॉपिंग कंपनी। अब एंटर कर देंगे, एंटर करेंगे, यहां पर आपका लोकल एड्रेस आएगा। तो मेरे केस में जो मेरा लोकल एड्रेस है वो मैं डाल देता हूं। तो ये कर दिया मैंने न्यू कॉलोनी देवरिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया, एंटर किया। यहां पे आपका स्टेट डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, तो स्टेट डालना मत भूलिएगा, बिल्कुल आपको स्टेट डालना ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे स्टेट जो है, जैसे मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश है, तो मैंने यू प्रेस किया तो यू वाले सारे नाम हाईलाइट हो गए। अब यहां से मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लूंगा नेविगेशन बटन का यूज करके, और यहां पर अपना पिन कोड डाल देता हूं। तो ये हमारा पिन कोड हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पे फोन नंबर फैक्स नंबर वगैरह वगैरह आएगा। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी होगी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या चल रहा है। ठीक है, फिलहाल तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा काम कब से स्टार्ट हो रहा है वो चीज यहां पर आएगी डेट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2/5/2024 से काम स्टार्ट हो रहा हो तो वो डेट हमने यहां डाल दिया। कई बार बच्चे करते क्या है कि यहां पर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाली डेट आएगी और नीचे फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाली डेट आ जाती है, तो ऐसे में आपको दिक्कत क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहां पे 31/3/2026 आप 25 कर देंगे तो यहां पर दिक्कत क्या आएगी कि यहां पर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट तो आप करा लेंगे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम सब क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं एंटर कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते जाना है, तो ये आपकी कंपनी बन जाएगी। लेकिन एक समस्या जो कि हमेशा आपके साथ बनी रहेगी वो क्या है, आइए देखते हैं। अब यहां पर आप पहली एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी है, हमारी कंपनी में कैश होना चाहिए, तो कैश रिसीव कराने के लिए कौन सा वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर। क्योंकि रिसीविंग करनी है तो सिंपल सी बात है कि कैश कंपनी में रिसीव कराना है, तो इसीलिए कौन सा वाउचर हम इस्तेमाल करेंगे, रिसिप्ट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, F6, तो हम यहां से F6 प्रेस कर लेते हैं। अभी हम पेमेंट में थे, अब हम आ गए F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में, देख सकते हैं ये हमारा रिसिप्ट वाउचर है और इसमें हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर क्रेडिट दिख रहा है तो पहले तो हम डेट देख लेंगे, तो हमें यहां पे 1 मई की डेट रखनी है या 2 मई, जो भी हो, तो 2/5/2024 यहां करते हैं। जैसे ही करेंगे ना तो ये इस तरीके से एक मैसेज शो हो जाएगा, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने वो गलती कर दी कि जहां पर आपको काम शुरू होने की डेट लिखनी थी वहां पर आपने फाइनेंशियल ईयर एंड होने की डेट लिख दी। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, यहां से बाहर आना है और बाहर आकर के और यहां पर आपको F3 शॉर्टकट की फंक्शन बटन F3 प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको चार अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है क्रिएट कंपनी, दूसरा अल्टर कंपनी, तीसरा है सेलेक्ट कंपनी और चौथा है शट कंपनी। तो हमें अल्टर कंपनी पर नेविगेशन बटन की मदद से चले जाना है। ठीक है, जैसे ही अल्टर कंपनी पे जाते हैं तो आगे हमें क्या करना है, यहां पर एंटर कर देना है और अब आकर के एंटर एंटर करके हमें इसे सही कर लेना है, यानी यहां पर काम शुरू होने की डेट आएगी। तो जैसे मान लीजिए 2/5/2024 को काम शुरू हो रहा है तो ये करके एंटर कर दीजिएगा और लास्ट तक एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब आप जब रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे तब आप एंट्री पास कर पाएंगे, डेट भी आपकी बदल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे करते क्या है कि 2 मई दे दिया काम शुरू होने की डेट और यहां पर कोशिश करते हैं 1 अप्रैल की डेट में एंट्री पास करने की, तो आपने दिया ही है वहां पे कि हम 2 मई से काम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 मई की ही डेट आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर हम डेट चेंज कर लेते हैं, 2/5/2024 कर लेते हैं, तो यहां पर अब एंट्री पास हो जाएगी।
लेकिन एक समस्या यहां पर भी आती है। देखिए मेरा यहां पे क्रेडिट दिख रहा है, शायद आपके में ना दिख रहा हो, तो यहां पर आपको दिखेगा चेंज मोड ऑप्शन, जो मैं कई बार बता चुका हूं, और ये जो चेंज मोड ऑप्शन है इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ शॉर्टकट की अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आप ये काम कर पाएंगे। शॉर्टकट की क्या है, देखिए नीचे दो लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये बटन यानी एच आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, तो कंट्रोल एच प्रेस कीजिए। अगर आप सिंगल एंट्री मोड में होंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है कंट्रोल एच करके और इसे बना लेना है पहले डबल एंट्री मोड। फिर भी अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है F12। क्या प्रेस करना है? F12 प्रेस करना है। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन है, पहला यूज डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2/buy ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो ये आपका नो होगा, और अगर आपका ये नो होगा ना तो ये इस तरीके से आएगा, तो इसको आप यस कर लेंगे, यानी F12 प्रेस करके, और इस ऑप्शन को आपको क्या करना है यस कर लेना, ये वाला ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ये यस हो जाएगा, या फिर आप वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे तो भी ये यस हो जाएगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये काम हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, ये सारी चीजें जो दिक्कत आ रही थी वो क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, अगर अभी भी दिक्कत आपको आती है तो अभी देखिए दिक्कत क्या होती है ये बता देता हूं। जैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज रहता है, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है आपका फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है इस समय, मतलब आपने डेट तो चेंज कर दिया है लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो करंट में चल रहा है वो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और अगर आप एंट्री पास करने जाते हैं तो होता ये है कि यहां पर आप जिस डेट में एंट्री पास करेंगे सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक जब एंटर करेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये है रिसिप्ट वाउचर, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एंट्री करनी है, तो इसमें कंपनी में लगाया जाने वाला फंड क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, तो यहां पर एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं। तो देखिए यहां पर कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनेगा, खाता बनेगा, ठीक है, अल्ट सी करके आप इसे बना सकते हैं, आसान है। और यहां पे ग्रुप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट ही आपको रखना है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कैपिटल अकाउंट यहां पर शो ना हो लिस्ट ऑफ ग्रुप में तो आपको सी प्रेस कर लेना है, तो सी वाले सारे ग्रुप्स आ जाएंगे और इसमें से आपको कैपिटल अकाउंट चूज करके एंटर कर देना है, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है, लास्ट तक एंटर आपको करते चले जाना है। तो ये कर लिया आपने लास्ट तक एंटर, अब जो भी आप फंड रिसीव करा रहे हो वो यहां पे डाल दीजिए और एंटर करके नीचे आइए। अब नीचे आ रहा है डेबिट, तो डेबिट में आपको क्या करना है, डेबिट में आपको कैश करना है, क्या करना है, कैश करना है, तो यहां पर डेबिट पे आके और यहां पे सी प्रेस कीजिएगा। आप देखिए यहां पे कैश शो नहीं हो रहा है, देखिए यहां पर ये कैश जो है शो नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, यहां पे सी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा कैश, देखिए यहां पे शो मोर आ रहा है ना, इस पर डबल क्लिक करिएगा तो ये कैश आ जाएगा, देखिए यहां पे शो होने लगा, तो यहां पे कैश लगा लीजिएगा और लगा करके एंटर करिएगा। आप चाहे तो बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, एंटर करिएगा। आप जैसे ही इसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करेंगे तो एक ये एरर आएगी, 2 मई 2024 की एरर आएगी। तो फाइनेंशियल ईयर हमें 2024-25 रखना है, हमें पता नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं और आपका ये चीज मिस हो जाता है, तो आपको अल्ट F2 करना है, क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है और 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 यहां कर देना है और एंटर कर देना है, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है, 31/3 होगा यहां पे, ये ध्यान दीजिएगा 31/3, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ये इजी है, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं, अब ये काम हो जाएगा, एंटर करेंगे और यहां पे नरेशन डाल सकते हैं, क्या नरेशन डालेंगे, बिजनेस स्टार्ट्स विथ STARTS WITH 5000, कितने जीरो हैं देख लीजिए, तो यहां पे 5 जीरो हैं, तो यहां पे 5 जीरो कर दिया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये आपकी पहली एंट्री होगी, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहली एंट्री पास करनी है। अब अगर मान लीजिए ये काम आपने ना किया हो तो क्या दिक्कत हो सकती है, तो आपके पास नेगेटिव कैश का मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कैश का मैसेज आएगा आपके पास, तो पहले आपको यही वाली एंट्री पास कर लेनी है, ठीक है, फिर आगे की एंट्रीज करनी है, क्लियर, चलिए।